वेलकम। आज हम बात करेंगे BMW 7 सीरीज की। हमारी मॉडल है BMW 7 सीरीज, ठीक है। इसकी जो इंजन की टाइप होती है, इंजन की बनावट जो होती है वो V टाइप होती है। मैंने पहले बताया था एपिसोड में कि इंजन दो टाइप की होती है, एक V होती है, एक इनलाइन होती है। तो कोई भी ट्रांसमिशन चैम्बर देखेंगे, कोई भी ऑटोमेटिक गाड़ी होती है जो हाई प्राइस की होती है, हाई क्वालिटी की होती है, हाई रेंज की होती है, तो उसमें जनरली V टाइप इंजन यूज होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें 1 डीजल इंजन होता है, 2 पेट्रोल इंजन होता है। जो 1 डीजल इंजन होता है उसकी जो सीसी होती है, जो क्यूबिक सेंटीमीटर होती है, जो स्ट्रोक लेंथ बताती है इंजन की, तो वो होता है 2993 सीसी की, 2993 सीसी की। और जो दो पेट्रोल इंजन होती है उसमें एक होता है 2998 सीसी यानी 2998 सीसी की, और सेकंड वन जो होती है 6592 यानी 6592 सीसी की होती है। काफी हाई सीसी है इसकी। तो एक डीजल इंजन हो गया, दो पेट्रोल इंजन हो गया। डीजल इंजन की जो सीसी होती है 2993 होती है, और दो पेट्रोल इंजन होती है उसके 2998 और 6592 सीसी की होती है, ठीक है। अब बात करेंगे ट्रांसमिशन की। ये ट्रांसमिशन जो है ये ऑटोमेटिक होता है, ठीक है। ये हमारा ट्रांसमिशन चैम्बर है इसकी, ये ऑटोमेटिक होता है। इंजन जो होता है वो भी ऑटोमेटिक होता है, ठीक है। मैक्सिमम टॉर्क की बात करेंगे तो 800 न्यूटन मीटर होता है, 800 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है ये, ठीक है। आरपीएम की बात करेंगे तो 500 आरपीएम जनरेट करता है। अगर सिलेंडर की बात करें, जो उसमें सेंटर नंबर ऑफ सेंटर जो होता है वो 12 होते हैं, ठीक है। जो ट्विन पावर टर्बो होते हैं, ठीक है, जो सिलेंडर होते हैं वो 12 होते हैं, जो ट्विन पावर टर्बो कहलाते हैं, ठीक है। अगर हम वाल्व कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो DOHC होता है यानी डबल ओवरहेड कैम शाफ्ट। तो मैं टीचर्स ने बताया था कि DOHC और SOHC का डिफरेंस, अगर आप गाड़ी के बोनेट खोलेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ये जो इंजन है वो वी टाइप है या इनलाइन है। अगर वी टाइप होगा तो उसमें DOHC वाल्व कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, डबल ओवरहेड कैम शाफ्ट। अगर इनलाइन में होंगे इंजन तो इसमें SOHC यानी सिंगल ओवरहेड कैम शाफ्ट, ठीक है। अब बात करेंगे गियर बॉक्स की। जो गियर बॉक्स होती है वो 8 स्पीड की होती है, ठीक है। चलिए मैं फिर से इसको रिवाइज करता हूँ। हमारे पास जो मॉडल है वो BMW 7 सीरीज की है। इंजन टाइप इसका V है, V टाइप इंजन इसमें यूज होता है। तो उसमें एक 1 डीजल इंजन होता है, 2 पेट्रोल इंजन होता है। जो 1 डीजल इंजन आती है उसकी 2993 सीसी की होती है, और जो 2 पेट्रोल इंजन आती है वो 2998 सीसी और 6592 सीसी की होती है, ठीक है। ट्रांसमिशन चैम्बर की बात करेंगे तो वो ऑटोमेटिक होती है। मैक्सिमम टॉर्क की बात करेंगे तो 800 न्यूटन मीटर होती है। आरपीएम की बात करें वो 5000 आरपीएम होती है, ठीक है। सिलेंडर की बात करें तो उसमें 12 सिलेंडर होते हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सिलेंडर 12 होते हैं, जो ट्विन पावर टर्बो होते हैं। ट्विन पावर टर्बो मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। वाल्व कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो उसमें DOHC लगता है, जो डबल ओवरहेड कैमशाफ्ट। मैं फिर समझा रहा हूं, अगर आप वी इंजन की बात करेंगे तो उसमें DOHC ही लगेगा, अगर आप इनलाइन की बात करें तो उसमें SOHC यानी सिंगल ओवरहेड कैमशाफ्ट लगेगा। गियर बॉक्स की बात करेंगे उसमें 8 स्पीड गियर बॉक्स होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करेंगे इसके असेंबल पार्ट्स के बारे में, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करेंगे इसके असेंबल पार्ट्स के बारे में, ठीक है। असेंबल पार्ट्स जो है BMW 7 सीरीज की, जो सबसे पहले आती है वो आती है हेड, ठीक है। जो अपर पार्ट ऑफ इंजन होता है, ठीक है, ये हमारा जो फर्स्ट है वो हेड बोलते हैं, इंजन हेड जिसको बोलते हैं, जो सबसे अपर पार्ट होता है, ठीक है। उसमें तीन चीज लग रहते हैं। पहला होता है रॉकर आर्म, जो हमारा यहाँ है, उसके हेड के नॉमिन क्लचर है, यानी आप बोल सकते हैं हेड के असेंबली पार्ट है ये, रॉकर आर्म विद टैपिट। सेकंड है कैम शाफ्ट, और थर्ड वन है टैपिट कवर, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा ऑयल पंप, ठीक है। ऑयल पंप क्या करता है, इट्स यूज टू सर्कुलेट ऑयल इनसाइड द इंजन। जो ऑयल गैलरी बनी रहती है इंजन में, उसमें ऑयल को सर्कुलेट करता है ऑयल पंप, ठीक है। अब हम बात करते हैं वाटर पंप की। जो थर्ड वन है वाटर पंप, ये वाटर को सर्कुलेट करता है एज ए कूलेंट, कूलेंट के तौर पर वाटर को सर्कुलेट करता है, ठीक है। चौथा है हमारा फ्लाई व्हील, ठीक है। फ्लाई व्हील क्या करता है, फ्लाई व्हील तो होता है जो आउटर पार्ट होता है इंजन का, लेकिन हम कंसिडर करते हैं इसको असेंबल पार्ट्स में ही, ठीक है। जो कनेक्टेड होता है किससे, क्रैंक शाफ्ट से और ट्रांसमिशन चैम्बर से। जो ये जो हमारा फ्लाई व्हील जो है ये आउटर पार्ट है जो कनेक्ट करता है किससे, क्रैंक शाफ्ट से और ट्रांसमिशन चैम्बर से, ठीक है। ये हमारा है पांचवा है डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर का फंक्शन क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर करती है, ये हेल्प्स टू डिस्ट्रीब्यूट द करंट थ्रू द स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग से करंट को डिस्ट्रीब्यूट करती है, ये डिस्ट्रीब्यूटर काम है करंट को जनरेट करना स्पार्क प्लग से, ठीक है। अब आती है क्रैंकशाफ्ट। सब गाड़ी में, सारे गाड़ी में सब कॉमन होता है, बस थोड़ा बहुत चेंजेस आते हैं। कोई भी गाड़ी ले लेंगे उसमें आप, ये आपको असेंबल पार्ट्स होंगे ही, ठीक है। तो थोड़ा बहुत कॉमन चीज होता है, बाकी कुछ कुछ चीज चेंज हो जाता है। जैसे आप, जैसे ये क्रैंकशाफ्ट है, ठीक है। तो क्रैंकशाफ्ट को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, क्रैंकशाफ्ट क्या होता है, क्रैंकशाफ्ट होता है ये एक रोटेटिंग डिवाइस होता है, रोटेटिंग मशीन होता है, पार्ट्स होता है,
जो फ्लाई व्हील से अटैच रहता है और किसी रहता है माउंटेड विद क्रैंक शाफ्ट, माउंटेड जो उसका जो रॉड होता है, जो फ्लाई व्हील का रॉड होता है वो माउंटेड रहता है क्रैंक शाफ्ट पे, ठीक है, ये फ्लाई व्हील से कनेक्ट रहता है। अब बात करेंगे ट्रांसमिशन चैम्बर की, ठीक है। ट्रांसमिशन चैम्बर में क्या होता है, जो हमारा जो ट्रांसमिशन चैम्बर है बीएमडब्ल्यू का वो जेड एफ 5HP 19FL का होता है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ इसका मीनिंग क्या है, बीएमडब्ल्यू जेड एफ 5HP 19FL, ठीक है। बीएमडब्ल्यू जनरली कंपनी है जर्मनी की, जर्मनी में यह बनती है, इसकी जो असेंबल पार्ट, इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो जर्मनी में बनती है, तो ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग जर्मनी होता है, जो मैन्युफैक्चरिंग करती है कंपनी वो जेड एफ है, और जो कैरिज करती है, जो डिजाइन करती है, कैरीज करती है वो जेड एफ 5HP है, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, जो ट्रांसमिशन चैम्बर की जो लेवलिंग होती है, जो ट्रांसमिशन चैम्बर जो होता है अपना बीएमडब्ल्यू का, वो बीएमडब्ल्यू जेड एफ 5HP 19FL की होती है, ठीक है। फिर से मेंशन करते हैं, बीएमडब्ल्यू का जो असेंबल पार्ट होता है वो हेड होता है, इंजन हेड, जिसको जो अपर पोस्ट पार्ट बोलते हैं, उस पर तीन चीज लगे रहते हैं, रबर आर्म विद टैपेट, कैम शाफ्ट और टैपेट कवर, ठीक है। लगा रहता है ऑयल पंप, जो सर्कुलेट करता है ऑयल को इंजन में, ठीक है। फिर होता है वाटर पंप, जो क्या करता है, कूलेंट को, वाटर को एज ए कूलेंट डिस्ट्रीब्यूट करता है। फिर होता है फ्लाईव्हील, फ्लाईव्हील क्या करता है, कनेक्ट करता है किससे, क्रैंक शाफ्ट से और ट्रांसमिशन चैम्बर से। डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, करंट फ्लो करता है किससे, स्पार्क प्लग से। सिंपल सा लॉजिक है, ज्यादा कुछ इसमें नहीं जानना है, सिंपल सा कुछ जाने के सारा इंजन को हम असेंबल पार्ट करते हैं, कम से कम बेहतरीन मतलब कुछ जानते हैं कि हम कुछ इंजन को कहीं किसी भी गाड़ी के इंजन को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। फिर आती है क्रैंकशाफ्ट, क्रैंकशाफ्ट जो होती है वो कनेक्ट रहती है किससे, फ्लाईव्हील से, एक दूसरे की कनेक्ट रहती है। पिस्टन होती है, पिस्टन जो होती है आपको बताया था, जिसमें जो सिलेंडर में अप डाउन करती है टीडीसी से बीडीसी, जिसमें तीन रिंग लग रहते हैं, कंप्रेशन रिंग सब्स्टिट्यूट एज सब्स्टिट्यूट एंड ऑयल रिंग, ठीक है। जिसमें आपको इस गाड़ी में आपको 6-12 पिस्टन मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि 12 सिलेंडर की गाड़ी है ये, ठीक है। ये कैमशाफ्ट जो है, कैमशाफ्ट क्या करती है, इट ऑपरेट्स द वाल्व मैकेनिज्म अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, वाल्व मैकेनिज्म को अपवर्ड एंड डाउनवर्ड करती है, जो आपका इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व जो होता है ना, वो उससे फ्यूल आए अंदर सिलेंडर में, ठीक है। तो किसके मदद से करती है, रॉकर आर्म और टैपेट की मदद से, रॉकर आर्म और टैपेट की मदद से ये वाल्व खुलेगा और बंद होगा, जिससे एयर फ्यूल रेशियो चाहे स्पार्क प्लग जिसमें वो पावर जनरेट होगा, इसको कैमशाफ्ट को कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं ट्रांसमिशन चैम्बर जो है, ट्रांसमिशन चैम्बर जो सबसे लोअर मोस्ट पार्ट होता है इंजन का, जिसमें सारे लगे क्लच फेट लगे रहते हैं, सोलेनॉइड लगे रहते हैं, सब लगे रहते हैं उसमें। तो इसका जो बीएमडब्ल्यू का जो ट्रांसमिशन चैम्बर है वो जेड एफ 5HP 19FL का है, जो मैन्युफैक्चरिंग जर्मनी में होता है बाई जेड एफ एंड कैरीज द डेजिग्नेशन बाई जेड एफ 5HP, ठीक है। ये मैन्युफैक्चरिंग हो गई। अब हम बात करेंगे कैसे इसका सीसी निकालते हैं, बीएमडब्ल्यू की सीसी कैसे निकालेंगे, हाउ टू फाइंड सीसी ऑफ बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज, ठीक है। तो पहले जब हम इंजन खोलेंगे तो उसमें से पिस्टन निकाल लेंगे, वो एक पिस्टन निकाल लेंगे, ठीक है। पिस्टन निकालने का क्या करेंगे, मेजरिंग टेप से हम पिस्टन की हाइट ले लेंगे, फ्रॉम टॉप टू बटन पिस्टन की हाइट ले लेंगे, जिसको हम छोटा एच मानते हैं। फिर पिस्टन की डाया ले लेंगे, जो अपर पार्ट होता है पिस्टन, पिस्टन हेड जो होता है, तो उसको फ्रॉम टॉप टू एक साइड दूसरे साइड तक नाप लेंगे, जिसको बोलते हैं छोटी डी, पिस्टन डाया। फिर सिलेंडर हाइट ले लेंगे, जो सिलेंडर निकालेंगे, जो आप पिस्टन निकालेंगे तो वहां पर एक गैप बन जाएगा, उसको बोलते हैं सिलेंडर बोर। तो उसको क्या करेंगे, आप मेजरिंग टेप से अपर मोस्ट पार्ट से लोअर मोस्ट तक सिलेंडर का नाप लेंगे, उसको लिख लेंगे बड़ी एच, आपका सिलेंडर हाइट हो जाएगी। फिर क्या करते हैं, फिर वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो जनरली जब दो पिस्टन है तो पाई आर स्क्वायर एच जो होता है बड़ी पाई 3.14 लेते हैं, आर जो है हमारा डायमीटर हो गया, जो डाया को हाफ कर देंगे, जो डाया जो हमारी डाया आएगी उसको हाफ कर देंगे, तो आपका ये आर हो जाएगा। तो पाई 3.14 आर स्क्वायर, ठीक है, और ये एच बड़ी एच मतलब छोटी एच, ठीक है, तब का ये हो जाएगा वॉल्यूम। अब क्या करेंगे, नंबर ऑफ सिलेंडर जितना, जैसे मान लीजिए 12 सिलेंडर का है, तो उसे डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ सिलेंडर से डिवाइड करेंगे, जैसे 12 सिलेंडर होगी तो 12 से डिवाइड कर देंगे, तब सीसी निकल जाएगा। अगर 4 सिलेंडर की है तो 4 डिवाइड कर देंगे, अगर 6 सिलेंडर की है या 8 सिलेंडर की है तो 8 से डिवाइड कर देंगे। ये हमारा सीसी निकालेगा बेसिक फंडा है। पिस्टन हाइट ले लेंगे छोटी एच, पिस्टन डाया ले लेंगे छोटी डी, सिलेंडर हाइट ले लेंगे बड़ी एच, ठीक है। पिस्टन हाइट, पिस्टन डाया और सिलेंडर हाइट, उसका फॉर्मूला लगा देंगे पाई आर स्क्वायर एच माइनस एच, बड़ी एच माइनस छोटी एच, ठीक है। पाई का वैल्यू होता है 3.14, सबको जानता है। आर जो होता है डायमीटर को हम रेडियस में कन्वर्ट कर लेंगे, तो आर स्क्वायर निकल जाएगा, आर रेडियस निकल जाएगा, उसको स्क्वायर कर देंगे, तो पाई आर स्क्वायर बड़ी एच जो है जो हमारा सिलेंडर हाइट है, और छोटी एच जो है जो पिस्टन हाइट है, उसको माइनस कर देंगे, तो हो जाएगा क्या, वॉल्यूम निकल जाएगा, वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ सिलेंडर से, तो हमारा सीसी निकल जाएगा। तो ये हमारा होल सीसी निकालने का, बीएमडब्ल्यू को सीसी निकालने का, ठीक है।
नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे हम इसके ट्रांसमिशन चैम्बर के बारे में, जिसमें सोलेनोइड की काम होती है, ईडीएस और MB1 की काम होती है, MB1, MB2, MB3 एंड MB4। तो चलिए, थैंक यू।